अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। बस आज का व्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट किया है। शाम को अभी मैं चाय पी के फारिग हुई थी तो सोचा कि मैं अपनी वीडियो बनाने का काम कर लूँ। ये सामने जो आप फ्रॉक लटकी हुई देख रहे हैं, आज ये रेडी होकर मेरे पास आ चुकी थी। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि मैं सेल करने का काम करती हूँ, तो ये मेरे पास तैयार रेडी होके आई हैं। तो मतलब स्टिच होके आई थी, करती तो मैं ख़ुद भी हूँ लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने स्टिच करवाई हैं। ये देखें, ये जो आप देख रहे हैं ये ऊपर की, ये बिल्कुल जैसे रेडी मिली थी मुझे। जैसे ये ना, ये ऊपर की जो पेटी, कहते हैं, ये अलग से थी। और ये जो आप देख रहे हैं ये कलियाँ, भी कटिंग होके तैयार मिली हुई थी। तो बस इनको स्टिच करना था लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इनको इस तरह घर में स्टिच कर पाती। इजी काम था लेकिन कह रही हूँ ना, बहुत अभी घर की ना शिफ्टिंग का चक्कर चला था बीच में, तो फिर मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था तो मैंने स्टिच करवा ली थी। तो अभी फ़िलहाल ये किसी को चाहिए होंगी तो फ़िलहाल वो ठट्टा में रहने वाले जो हैं व्यूअर्स मेरे, वो मेरे से रابطہ कर सकते हैं। अगर मुमकिन हो सका तो मैं अपना सेल नंबर दे दूंगी आपको, व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगी, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ठट्टा में रहने वाले। तो ये देखें, एक ये है, ये पूरी कुर्ती है। और ये जो नीचे मैंने कलियों में, ये देखें, ये जिगजैग लेस लगवाई है। कलियाँ जैसे कलियाँ ज्वाइंट हुई थी ना, तो इस पर मैंने सिलाई ना नज़र आई तो इस पर मैंने ये जिगजैग लेस लगवा ली थी। ये इसका फ्रंट है और ये आप देख सकते हैं ये इसका बैक है। बैक पूरा प्लेन है। और ये है, ये तकरीबन मेरे ख्याल छः साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची को ये फ्रॉक आराम से आ जाएगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, रेड कलर में है। और ये भी मुझे तैयार ही मिली थी, ये कढ़ाई करी हुई थी, ये मशीन की कढ़ाई की हुई है। और इसी तरह ये नीचे कलियाँ लगी हुई हैं, कलियों पे इसी तरह जिगजैग लेस लगी हुई है। और ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स में बस ये थोड़ा सा मैंने कपड़ा जॉइंट करवा लिया था क्योंकि कपड़ा ये थोड़ा कम पड़ रहा था, तो बिल्कुल जैसे छोटी लग रही थी आस्तीनें, तो मैंने इनको बोला कि आप यहाँ आगे रेड कलर का पीस लगा दें। और ये इसकी बैक है, बैक ये इसी तरह प्लेन। ये नेक्स्ट, ये देखें, ये माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी तकरीबन 8 से 9 साल तक की बच्ची के आराम से आ जाएगा। और ये भी इसी तरह, ये मुझे तैयार पीस मिला था ऊपर, ये जो कटिंग वगैरह सब किया हुआ था। और ये इसी तरह कलियाँ लगवाई हैं और यहाँ पे भी जिगजैग लेस लगवाई है। और ये इसकी आस्तीनें हैं और इसकी भी आस्तीनों में यहाँ जिगजैग लेस लगी हुई है। और इस ये इसका बैक है, बैक पे भी जैसे फ्रंट में पेटी बनी हुई है इसी तरह फ्रंट की है। और ये इसी तरह नीचे कलियाँ जॉइंट की हुई हैं। तो ये तीनों फ्रॉक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं, सोबर और डिसेंट भी लग रही हैं। बच्चियाँ तकरीबन ये फ्रॉक जो हैं ये तकरीबन 8 से 9 साल तक की बच्ची के लिए हैं, आराम से आ जाएंगी। और ये तकरीबन 10 से 12 साल की बच्ची को भी आराम से आ जाएगी। और ये साइज़ थोड़ा मैंने इसको चौड़ा रखवा है क्योंकि अगर कोई हेल्दी बच्ची हो तो उनको भी आराम से आ जाए। उम्मीद है आपको मेरी तीनों फ्रॉक पसंद आई होंगी। और बाकी अभी मेरी सिलाई का काम थोड़ा अधूरा पड़ा हुआ है, जैसे ही मैं ख़ुद भी स्टिच कर लूँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैंने क्या स्टिच किया है। अभी फ़िलहाल ये जो अभी आई थी तो नई नई थी, तो मैंने कहा मुझे अच्छी बहुत पसंद आई तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। उम्मीद है आपको मेरी तीनों फ्रॉक पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो आज तक यहीं तक थी,
नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।